तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि आज तकरीबन 62 इनक्यूबिटीज यहां पे थे और साथ में 16 इन्वेस्टर्स, और आपको जान के खुशी होगी कि तकरीबन 1,25,00,000 रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है आज हमारे इनक्यूबिटीज को, और साथ ही 4.70 लाख रुपए के ग्रांट भी दिए गए हैं। शुभम राणा है जिनको 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है। इसके अलावा ट्विंकल व्यू होम स्टे है, इनको 10 लाख रुपए की, उत्तराखंड नेचुरल नाम की ये कंपनी है, दीपक बिष्ट उनको 2 लाख रुपए, यूके एंटरप्राइजेस शायर अबानो 5 लाख रुपए इनको, अंजलि एंटरप्राइजेस ललित मोहन लोहनी जी को 1 लाख रुपए, काफल एपीसी दर्शना पाठक 5 लाख रुपए इनको, हिल हब्स इंडिया गोविंद सिंह रावत जी 10 लाख रुपए इनको, देव महिमा हैंडलूम लक्ष्मण सिंह गैलाकोटी जी 2 लाख रुपए इनको, ओ ईजा नाम से ये एक स्टार्टअप है राहुल पांडे जी 25 लाख रुपए इनको, और इसी तरह पहाड़ी हाट गौरव अग्रवाल 6 लाख रुपए इनको, कृपो काम्या यतेंद्र सिंह इनको 2 लाख रुपए, डिवाइन अर्थ प्रमोद बंसल 10 लाख रुपए, नजमा इकबाल जी 1 लाख रुपए इन्हें। इस तरह से तकरीबन 1,25,00,000 रुपए की, मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि जोरदार तालियां, ये इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है, और साथ के साथ तकरीबन 4.25 लाख रुपए के ग्रांट्स भी दिए जा रहे हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा आपसे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ग्रांट दी है उनको और जिनको दी गई है उनको आपके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं सबसे पहले निवेदन कर रहा हूं राहुल नैनवाल जी आपसे कि आप आगे आ जाएं। सरस्वती फूड्स इनको 50,000 रुपए की ग्रांट दी गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि ये दोनों टेबल्स को एक बार हटवा दीजिए, चल जाएगा। सरस्वती फूड्स इनक्यूबिटी प्लीज आप आ जाइए। इसके बाद सतेंद्र नेगी जी, सरस्वती फूड्स को 50,000 रुपए की ग्रांट राहुल नैनवाल जी की तरफ से। सतेंद्र नेगी जी, इसके बाद भारती गुसाई जी, राहुल जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी और सतेन जी आपको भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राहुल जी को उपहार स्वरूप ये भेंट किया जाए, धन्यवाद। अब मैं श्री प्रकाश जी से निवेदन कर रहा हूं वे मंच पे आ जाएं। उन्होंने भारती गुसाई जी को 35,000 रुपए की ग्रांट दी है। भारती गुसाई जी, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि राहुल जी को श्री प्रकाश जी को भेंट किया जाए, धन्यवाद। इसके बाद श्वेता शाह जी, जोरदार तालियां इनके लिए, एक बार आप आ जाएं। इन्होंने तकरीबन 10 लोगों को ग्रांट दिया है 25,000 ईच के हिसाब से। श्वेता जी प्लीज। अरुण डबराल जी सबसे पहले आ जाएं। श्वेता जी ने 10 लोगों को 25,000 ईच के हिसाब से ग्रांट दी है। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण डबराल जी सबसे पहले, इसके बाद सुनील धामी जी आ जाएं। सुनील धामी जी के बाद अनीता उपाध्याय जी, अनीता उपाध्याय जी आ जाएं। उसके बाद ललित मोहन लोहनी जी, जिनके भी नाम बुलाए जा रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा आप अगर
समय का ध्यान रखते हुए आएंगे तो हम कार्यक्रम को समय पे आगे बढ़ा पाएंगे। अनीता उपाध्याय जी, इसके बाद ललित मोहन लोहनी जी, उसके बाद दर्शना पाठक जी, दर्शना पाठक जी के बाद शुभा प्रभाकर जी, शुभा प्रभाकर जी, उनके बाद अंजलि बिष्ट, अंजलि बिष्ट जी, उसके बाद नीरज बलूनी, नीरज बलूनी जी, नीरज बलूनी जी के बाद नीरज जी जल्दी में लग रहे हैं थोड़ा आइए नीरज जी, उसके बाद सरोजनी देवी जी, सरोजनी देवी जी के बाद मैं शर्मिला नेगी जी, अब एक छोटी सी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्वेता जी को। आप हमारे उत्तराखंड राज्य के विकास में साझेदार बन रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जर्नी हम लोग साथ में आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आकांक्षा बैक्टर जी, आपसे निवेदन है आप आ जाएं। लक्ष्मण सिंह गैलाकोटी जी को आपने 25,000 रुपए का ग्रांट दिया है, और साथ में बसंत कुमार जी, उनको 10,000 रुपए का ग्रांट आकांक्षा बैक्टर जी की तरफ से। लक्ष्मण सिंह गैलाकोटी जी, उसके बाद बसंत कुमार जी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती हैं आकांक्षा जी, बॉम्बे में वहीं से आई हैं। लक्ष्मण जी और उसके बाद बसंत कुमार जी, बसंत कुमार जी, मैं निवेदन करूंगा इसके बाद आकांक्षा जी को मोमेंटो दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। इसके बाद पल्लवी अग्रवाल जी, हमारे इन्वेस्टर पल्लवी अग्रवाल जी, बलविंद्र कौर जी आप आ जाएं, और साथ में नजमा इकबाल जी, 25,000 रुपए की ग्रांट पल्लवी अग्रवाल जी ने आपको दी है। बलविंद्र कौर जी और नजमा इकबाल जी, नजमा इकबाल जी, पंकज परवंदा जी, इनके को फाउंडर, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आ जाएं। और मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इनके को फाउंडर हैं पंकज जी और पल्लवी जी, ये दोनों को ही मोमेंटो भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टर्स यहां पे मौजूद हैं, हम उनको बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले सौरभ त्रिवेदी जी, उसके बाद प्रेरणा प्रसाद जी, संतोष कुमार जी, पंकज चावला जी,
अमोल चाफेकर जी, अनिल तनेजा जी, देविका मुखर्जी जी, राजीव रंजन जी, अतुल शर्मा जी, आनंद खिनवासरा जी, ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2022-23 के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग जो शामिल हुए हैं, ग्रामीण उत्तराखंड एंटरप्रेन्योरशिप की ये समिट है जहां रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग देहरादून द्वारा ये आयोजित किया गया है। गांवों के विकास को लेकर, गांव में छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो इनिशिएटिव्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। इसके बाद मैं टेक्निकल टीम से निवेदन कर रहा हूं, आज दिन भर में बहुत सारी पिच हुई हैं, उसमें से कुछ एकादा पिच हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से इंक्यूबेटर्स ने अपनी बात रखी और इन्वेस्टर्स ने उनको गाइड किया। मेरा नाम शुभम राणा है, मैं बी रेडी हार्वेस्टर एलएलपी का फाउंडर हूँ। मैं रहने वाला बेसिकली चमोली गढ़वाल का हूँ और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन मैंने करा है, साथ ही साथ सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ और मास्टर ट्रेनर हूँ बी कीपिंग में। जैसा कि हमारे पहाड़ों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी घर बनाते हैं तो एक छोटा सा घर मधुमक्खियों के लिए भी बनाते हैं हम लोग, तो उससे निकलने, वैसे तो उसको वॉल हाइव कहा जाता है, उससे निकलने वाला जो शहद होता है उसको हम लोग मार्केट में हिमालयन हनी के नाम से सेल करते हैं। अब आप बोलिए इसमें अलग क्या है, हिमालयन हनी तो सभी लोग बेच रहे हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ, कड़ी पत्ता का शहद आपने सर खाया है कभी, या आपने जामुन, या फिर आपने अजवाइन का, या फिर आपने सरसों का शहद, बीज से फुट क्रीम, एड़ियाँ सबकी पड़ी, गाँव में तो हर किसी की एड़ियाँ फटी है तो फॉर श्योर है। तो वो फुट क्रीम पहले के ज़माने में हम लोग, मेरे दादाजी और सरसों के तेल के साथ मिक्स करते थे और उससे फुट क्रीम बनाते थे। तो अभी हमने भी ऐसी कॉन्सेप्ट लेके आलमंड ऑयल या फिर ऐसे करके फुट क्रीम हम लोगों ने बनाई है, बहुत है। तो इसी के साथ सर, आप लोग की गाइडेंस के लिए, गाइडेंस चाहिए मुझे, डेफिनेटली चाहिए मेरे को, मार्केट चाहिए और बी कीपिंग इंडस्ट्री को बूम करना है मुझे, और साथ में आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इसी के लिए मैं अपनी कंपनी के लिए 40 लाख का आस्क करना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप मेरा जो वर्किंग कॉस्ट देखते हैं, एक हनी की बॉटल पे जो आधा किलो की बॉटल हम लोग 350 रुपये की देते हैं, मार्केट जो हमारा प्राइस है, इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 100-150 के अंदर आती है, विद बॉटलिंग विद लेबल। मार्केटिंग बॉटल तक रेडी, प्रोडक्ट रेडी करके पहुंचाने तक का कॉस्ट है इसमें, ये एलएलपी है। डेफिनेटली फ्रॉम माय साइड वी विल इन्वेस्ट, वी विल हैव टू गो फॉर अ ड्यू डिलीजेंस, होज दैट विद इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 10-15 डेज वी विल डेफिनेटली पुट इन समथिंग। हम लोग एक सेगमेंट ले लेंगे, इधर फ्रॉम द बी कीपिंग इक्विपमेंट साइड या फिर द हनी साइड ऑफ इट। राइट, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपको।